जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। मैं हिमलता सनातनी दो विषयों पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। नंबर एक, 14 नवंबर आ रहा है और पिछले 70 सालों से हमारे दिमाग में ये पढ़ाया गया, हम सबको ये पढ़ाया गया है कि 14 नवंबर को नेहरू जी के जन्म दिवस को बाल रूप में हम मनाते हैं। आज मैं तमाम भारतीयों से, तमाम राष्ट्रवादियों से ये पूछना चाहूंगी कि व्हाई दिस डे वी आर सेलिब्रेटिंग एज अ चिल्ड्रंस डे? हैज इट डन समथिंग फॉर द चिल्ड्रन और इन हिज ओन चाइल्डहुड हैज इट डन समथिंग फॉर द कंट्री? आखिर क्यों हम उनके जन्मदिन को, बर्थडे को बाल दिवस के रूप में मनाते हैं? आखिर इतिहासकारों पे मुझे कभी कभी तरस आता है उनकी चाटुकारिता पर, किस प्रकार से उन्होंने चंपी करते हुए, किस प्रकार उन्होंने चापलूसी करते हुए किसी एक खानदान को खुश करने के लिए, और उन्होंने हम लोगों पे थोप दिया है मनगढ़ंत कि जिसको चाहा उसको राष्ट्रपिता घोषित कर दिया, जिसको चाहा खुश करने के लिए, चाकरी करने के लिए उसको राष्ट्र का चाचा घोषित कर दिया, और अगर इनका बस चलता तो ये आज तक किसी को राष्ट्र माता घोषित कर देते, राष्ट्र भ्राता घोषित कर देते, राष्ट्र बहना घोषित करते। ये तो इनका बस चला नहीं है। तो हद होती है किसी एक खानदान ने कि अब क्या पूरे देश का ठेका ले रखा है क्या, या फिर थोपा हुआ कब तक? आज मैं उन इतिहासकारों से, उन वामपंथी विचारधारा के व्यक्तियों से मैं पूछना चाहूंगी कि आखिर नेहरू जी ने ऐसा क्या, क्या केवल बच्चों का प्रेम उन्हीं के अंदर था? उनको तो और भी बहुत सारी चीजें पसंद थी। शैल आई गिव यू डिटेल? क्या डिटेल देने की रिक्वायर्ड है? आप सबको पता है, एवरीबडी नोज अबाउट इट। क्यों नहीं गुरु गोविंद सिंह जी के, साहिब जादों के बलिदान दिवस को हम लोग बाल दिवस के रूप में मनाएं? मैं आज याद दिलाना चाहूंगी उन तमाम भारतीयों को और उन चाटुकार इतिहासकारों को, वामपंथी विचारधारा के व्यक्तियों को, जिन्होंने किसी एक परिवार को खुश करने के लिए पूरे के पूरे इतिहास से खिलवाड़ किया है। वो भूल नहीं सकते हैं कि किस प्रकार गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों को, उनके पुत्रों को, उनके साहिबजादों को उनके सामने जिंदा उनको दीवार में चुनवा दिया गया। क्यों? कि उन्होंने किसी विदेशी धर्म को नहीं अपनाया। गुरु गोविंद सिंह जी के पिता स्वयं, जो सिख समुदाय के 9वें धर्म गुरु के नाम से हम सब पूरे भारत में हमारे गुरु हैं, वो हमारे धर्म गुरु हैं, उन्होंने भी अपने धर्म के खातिर, अपने देश के खातिर, वो उन्होंने अपना शीश नहीं झुकाया और विदेशी धर्म नहीं अपनाया, विदेशी आक्रांताओं के पीछे, उनके सामने अपने घुटने नहीं टेके, और नतीजतन उनको डराने के लिए, उनको दहशत में लाने के लिए उनको जबरदस्ती पिंजरे में जकड़कर दिल्ली लेके जाया गया। दिल्ली में उनके साथ जितने, और मैं एक एक बात सत्यता के आधार पर बता रही हूं, इतिहास उठा के देखिए जो आज तक हमें पढ़ाया नहीं गया है। जब गुरु तेग बहादुर जी को दिल्ली पिंजरे में बंद करके लाया गया था, उनके साथियों को दहशत में डालने के लिए कि या तो तुम उनका धर्म अपनाओ अदरवाइज उनका शीश कलम कर दिया जाएगा, और गुरु तेग बहादुर जी के सामने एक व्यक्ति को रूई में जिंदा जला दिया गया, एक व्यक्ति को गरम गरम खोलते उबलते पानी में डाल के उनको मारा गया, एक व्यक्ति को उनके सामने बीचों बीच चीर दिया गया आरे में, लेकिन उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा, उन्होंने देश को झुकने नहीं दिया, और अंतगत्वा उन्होंने खुद तेग बहादुर जी को एक फरमान जारी किया गया उस समय कि या तो वो धर्म अपनाए अन्यथा उनका शीश धड़ से अलग कर दिया जाएगा। और उनके वो शब्द आज भी जब मैं सुनती हूँ रोंगटे खड़े होते हैं कि मुझे शहादत को अपनाना मंजूर है, लेकिन मैं अपने देश को, अपने धर्म को झुकने नहीं दूंगा, और नतीजतन उनका शीश धड़ से अलग कर दिया गया। आज भी दिल्ली में जहां पर शीश गंज उनका गुरुद्वारा बना हुआ है, वो वही जगह है जहां पर उनका सर कलम किया गया था। इसी प्रकार गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों को, मासूम बच्चों को, जो उन्होंने अपने मासूम बच्चों की शहादत दी है देश और धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए, वो हम कभी भूल नहीं सकते हैं। अतः आज इस वीडियो के माध्यम से मैं भारतीय सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी से और तमाम जनता से ये अपील करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से, और आज मैं चिट्ठी भी लिख रही हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को कि गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों के शहीद दिवस को बाल रूप में मनाया जाए, बाल दिवस के रूप में मनाया जाए, ताकि देश के बच्चों को, देश के युवाओं को, देश के नागरिकों को सच्चाई पता चले जो आज तक हमसे छुपाई गई है। आज भी 20 से 27 दिसंबर तक, मैं ये दूसरी बात कहना चाहूंगी कि 20th of December से 27th of December, इन 7 दिनों के अंदर अंदर गुरु गोविंद सिंह जी का पूरा परिवार देश के लिए शहीद हो गया था। और आज बड़ी विडंबना के साथ मुझे ये कहना पड़ा है, बड़े दुखी हृदय के साथ मैं ये कह रही हूं कि आज हमारे युवा, हमारे बच्चे आज वो चिट चैट करते हैं, व्हाट्सएप हो चाहे फेसबुक हो, क्रिसमस के मैसेज आप लोग भेज रहे हो। क्रिसमस हमारे सनातन धर्म का हिस्सा नहीं है, मैं आपको बता देना चाहती हूं। आज तमाम माता पिताओं से मेरी एक करबद्ध प्रार्थना है, इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द गार्जियंस कि इन 7 दिनों में अपने बच्चों को रियलिटी बताइए कि किस प्रकार से उन वीर योद्धाओं ने
देश को झुकने नहीं दिया, अपने धर्म का उन्होंने पतन नहीं होने दिया, और किस प्रकार वो बलिदान हो गए, अपने पूरे परिवार को बलिदान कर दिया। इसलिए सच्चाई सबके सामने, कुछ लोग सोचते हैं कि मैं इस प्रकार की बातें क्यों करती हूं, लेकिन मैं आपको आज सत्यता बताऊं कि मैं किसी पार्टी के पक्षधर या किसी पार्टी के विपक्ष में नहीं हूं। हाँ, मैं एक शिक्षिका होने के नाते, एक पढ़ी लिखी व्यक्ति होने के नाते, भारत का स्वतंत्र नागरिक होने के नाते आज मैं सच्चाई जरूर बताना चाहूंगी जो हमसे छुपाई गई, जो आज तक इतिहास में छुपाई गई। इतिहास को पूरा का पूरा उन्होंने उल्टा करके रख दिया है, सत्यता को बहुत हद तक चाटुकारिता के वश में होकर उन्होंने दबाया है। अतः सर्वबद्ध निवेदन है कि सच्चाई को उजागर करें, मेरा साथ दें, और आप भी अपनी अंतरात्मा से पूछेगा कि मैंने एक एक शब्द जो सत्यता के आधार पर कहे, जो तथ्यों के आधार पर रखे, प्रमाणिकता के आधार पर रखे हैं, उनका आप तर्क ढूंढिएगा, आप स्वयं इतिहास को जानिएगा, आपको खुद को लगेगा कि वाई 14th ऑफ नवंबर वी आर सेलिब्रेटिंग एज ए चिल्ड्रंस डे, ही हैज नॉट डन एनीथिंग फॉर द चिल्ड्रन, उन्होंने बच्चों के लिए कुछ किया नहीं है। अतः विवेकशील बने, थोपा हुआ मत मानिए, अपना विवेक इस्तेमाल करिए, और गुरु गोविंद सिंह जी के, साहिबजादों के शहादत दिवस को हम बाल रूप दिवस में मनाएंगे। यही मेरी कल्पना अपील है, प्रार्थना है। जय हिंद, जय भारत। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल।